जो है, बिल्कुल बिल्कुल, आप मंत्री जी को सुनेंगे अब कि मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप पहुंच रहे हैं MANIT इलाहाबाद, और अब वहां पे मंत्री जी से बातें कर रहे हैं, सुनने का सेना मौका। की डेट सीट कब आएगी, एग्जाम कब आएंगे, किस ले बस। गोल्ड मेडल अवार्डेड टू मिस्टर आर्यन मित्तल ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट एट बीटेक सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020। गोल्ड मेडल अवार्डेड टू मिस्टर अनुभव राजपूत ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट एट बीटेक फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020। गोल्ड मेडल अवार्डेड टू मिस्टर दीपांशु ठाकुर ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट एट बीटेक फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020। धन्यवाद महोदय। हमारा ये संस्थान लगभग 222 एकड़ की जमीन में स्थापित है और संस्थान के तीन भिन्न भिन्न परिसर हैं, एकेडमिक परिसर, आवासीय परिसर और छात्रावास परिसर। आवासीय परिसर में ही छात्राओं के छात्रावासों की व्यवस्था है। ये तीनों परिसर शुरू से ही एक रेलवे लाइन जो कि प्रयागराज से लखनऊ को कनेक्ट करती है उससे डिवाइडेड है। उससे सभी अध्यापकों, कर्मचारियों और विशेषकर छात्राओं को जो आवासीय परिसर में हैं बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। पिछले वर्ष हम लोगों ने मंत्रालय के सहयोग से एक भूमिगत पार पथ का निर्माण प्रारंभ किया। मुझे खुशी है कि आज वो भूमिगत पार पथ तैयार है और इस हीरक जयंती वर्ष में इस भूमिगत पार पथ को हीरक जयंती भूमिगत पार पथ के रूप में नामकरण किया गया है। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस भूमिगत पार पथ का उद्घाटन करें। चला धन्यवाद श्रीमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। वैसे तो माननीय मंत्री जी की ख्याति और व्यक्तित्व आज किसी से छिपी नहीं है, किंतु इस समारोह में उपस्थित लोगों को मैं संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी का परिचय कराना चाहता हूं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री के पद पर श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री फखरुद्दीन अली अहमद,
श्री वीपी सिंह